अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना समर टास्क का फर्स्ट पेज करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है अप्लाइंग डिक्शनरी स्किल्स। स्टूडेंट्स, डिक्शनरी कोई भी बुक या ऑनलाइन रिसोर्स होता है जो आपको इस चीज़ में हेल्प करता है किसी भी वर्ड का मीनिंग यानी मतलब फाइंड करने में, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, हम उस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ द वर्ड, वो वर्ड कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से निकला है, और हाउ द वर्ड इज़ यूज यानी वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, आइदर इट इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और समथिंग एल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट वर्ड क्या है? एलिगेटर। ओके, की डेफिनेशन क्या होती है? अ लार्ज रेप्टाइल सिमिलर टू अ क्रोकोडाइल बट विद अ ब्रॉडर हेड एंड शॉर्ट लेग्स। एक लार्ज रेप्टाइल होता है, रिंगने वाला जानवर होता है, जो किससे मिलता जुलता है? क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसका हेड जो है वो बड़ा होता है मगरमच्छ से, और इसकी लेग्स जो है वो उससे ज़्यादा छोटी होती हैं। हम इसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं? एलिगेटा, एलिगेटा। वर्ड ओरिजिन, ये कहाँ से आया है? ये स्पेनिश लैंग्वेज से निकला है, जिसमें एलगार्टो इसको बोलते थे, द लिजर्ड को यानी छिपकली को बोलते थे, ये वहाँ से निकला है। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इज नाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिक्शनरी तरह की बुक होती है, मेरे पास ये पॉकेट डिक्शनरी है, आप कोई भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले सकते हैं, अगर घर में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था? एलिगेटर। सो हम ए एल में जाके चेक करते हैं कॉलम, ये है एलिगेटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका ओरिजिन नहीं लिखा हुआ मेरी डिक्शनरी में, बट और डिक्शनरीज में लिखा होता है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? मगरमच्छ। और ये क्या है? एक स्मॉल एन दिया हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ नाउन। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने डिक्शनरी यूज करनी है और बाकी वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करनी है। ओके, आपका सेकेंड वर्ड क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ ट्यूब शेप्ड सैक अटैच टू द लोअर एंड ऑफ। ओके, एक ट्यूब की शक्ल का सैक होता है, सैक कहते हैं पाउच को, थैली को कहते हैं, जो कि कहाँ अटैच होता है? लोअर एंड पे, सबसे लास्ट वाले एंड पे, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के सबसे लास्ट वाले एंड पे, आखिरी सिरे पे कनेक्ट होता है। इन ह्यूमंस, कुछ इंसानों में, एंड सम मैमल्स, और कुछ मैमल्स में। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ओके, वर्ड ओरिजिन, ये कहाँ से है? ये लैटिन लैंग्वेज से निकला है, जिसमें अपेंड्रे, कौन सा लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है? अपेंड्रे। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इट इज अ नाउन, इट इज अ नाउन। ओके डियर स्टूडेंट, होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने डिक्शनरी किस तरह यूज करनी है। आप घर में भी आपकी डिक्शनरी अगर प्रेजेंट है तो उससे हेल्प ले सकते हो, अगर नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग। अब आप अपने नेक्स्ट पेजेस खुद अटेम्प्ट करेंगे, होप सो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।